Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu. How are you all doing today? So guys, welcome to today's session, जहां पर हम लोग आपका चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने वाले हैं इन द नेक्स्ट फ्यू 20 to 30 मिनट्स. राइट, ये मेरा एम है, उसे ज्यादा बढ़ गया तो माफ करना, बट दैट इज माई एम. इट्स गोइंग टू बी अ क्विक रिविजन. वी आर गोइंग टू गो ओवर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. अगर आपने आज का सेशन अटेंड कर लिया, you do not need to attend any other session. You do not even need to, open your notes. Yehi aapke notes ban jayenge. Iska PDF main niche description box mein aapke liye dal dungi. So welcome to today's session. Guys, it's a very interesting session, very interesting chapter. Make sure that you watch till the end. Hopefully, aap logo ki taiyariyan amazing chal rahi hai. So you know me, I am your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and... शुरू करते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो. थम्स अप का ऑप्शन नहीं है, मुफ्त में आप दबा सकते हो. एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वेदांतु 9th एंड 10th चैनल आपके लिए लाता है अमेजिंग कंटेंट, एज वेल एज यू नो वी मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम इस चैनल पर नहीं करते, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी सच अमेजिंग वीडियोज. एंड ऑफकोर्स कॉमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी एंड में. चलो, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेट अस स्टार्ट. तो गाइस, द नेम ऑफ द चैप्टर इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है. तो गाइस, द वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस्ट्री. तो जिस पॉइंट पे हमारी हिस्ट्री में इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुआ, उस पीरियड को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं. पहले जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, फिर धीरे धीरे हम इंडस्ट्रीज पे आए. कपड़े भी हाथ से बनते थे, फिर फैक्ट्री में बनने लगे. तो ये जो प्रोसेस है ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुआ वर्कर्स पे, कंट्रीज पे, इंडिया पे, ये इस चैप्टर का थीम है. राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाउ वंस अपॉन अ टाइम हम एक एग्रेरियन सोसाइटी थे, जहां पर यूजुअली एग्रीकल्चर हो रहा था, एंड हाउ डिड वी कन्वर्ट टू एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. एंड व्हेन आई से इंडस्ट्रियल, आई मीन मेनली मैन्युफैक्चरिंग. कैसे हम लोग एक एग्रेरियन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गए. राइट, दिस इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब आपका चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर से शुरू है. गाइज, याद रखना, सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर के बाद हमें यह पता चल गया है कि पिक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो भी है हिस्ट्री के, सिविक्स के, ज्योग्राफी के. ठीक है, तो इसको स्किप मत करना, स्पेशली इन चैप्टर्स के जिससे 5 मार्कर्स कम आते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है. तो आपका चैप्टर शुरू होता है इस इमेज से. ये जो इमेज है, ये 1900 में पब्लिश हुई थी बाय अ वेरी पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर ईटी पॉल. म्यूजिक बुक थी, उसमें पब्लिश हुई थी. और ये जो कवर ऑफ द पेज आप देख रहे हो, कवर ऑफ द मैगजीन, उस पे लिखा है डॉन ऑफ द सेंचुरी, मतलब एक नई शताब्दी के अंदर एंट्री, एक नई शताब्दी की शुरुआत, है ना, डॉन ऑफ द सेंचुरी. यहां पर आपको दिख रही है ये ब्यूटीफुल लेडी, यू नो इट्स अ गॉडेस लाइक फिगर, जिन्होंने एक फ्लैग होल्ड कर रखा है यहां पर ऑफ द न्यू सेंचुरी, एक लैंप होल्ड कर रखा है फ्लैग ऑफ अ न्यू सेंचुरी. वो पंख पे सवार है, शी इज स्टैंडिंग ऑन विंग्स. और ये विंग्स उनको कहां ले जा रही है, अंटार्कटिका नहीं, ये विंग्स उनको ले जा रही है, यू नो इट इज सिंबलाइजिंग टाइम दैट शी इज गोइंग टूवर्ड्स द फ्यूचर. ये जो नई सेंचुरी है, ये हमें फ्यूचर की तरफ ले जा रही है. और क्या क्या चीजें इनको फ्यूचर की तरफ ले जा रही है, तो पीछे सिंबल्स ऑफ प्रोग्रेस आपको दिखाई देंगे, जैसे आपका व्हील हो गया, स्पिनिंग व्हील हो गया, ट्रेन हो गया, कार हो गए, टेलीफोन हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया. दीज आर द डिफरेंट प्रोग्रेस का जो साइंस ऑफ प्रोग्रेस है, रेलवे, कैमरा, मशीन, दीज आर, दिस इज पुशिंग द गॉडेस फॉरवर्ड टूवर्ड्स द फ्यूचर. ठीक है, ऐसा ही एक और उस टाइम एक एडवर्टिजमेंट निकला था, एक पिक्चर निकला था इन द ट्रेड मैगजीन, जहां पर एक तरीके से ग्लोरिफिकेशन दिखा रखा है, वहां ये दिखा रखी है ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी. कैसे, तो आपको ऊपर
देखेगा अलादीन, अलादीन तो हम सब ने देखा ही है बचपन से, है ना, अलादीन देखते हैं, वो जो अपना लैम्प है उसमें से जीनी निकलता है और जो अलादीन चाहता है जीनी बना सकता है, चाहे वो पैलेस हो, फ्लाईओवर हो, मैकडोनल्ड्स हो, है ना। वैसे ही यहाँ पर दिखा रखा है एक वेस्टर्न मैकेनिक, एक मॉडर्न मैकेनिक, है ना, जो अपनी टेक्नोलॉजी से, जो अपने टेक्निकल नोहाउ से, अपने नॉलेज से वो बिल्डिंग्स बना रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है, टावर बना रहा है। तो एक तरीके से कंपेयर किया गया है ईस्ट, मतलब इंडिया और ये सब जो कंट्रीज है, हमारे पास अलादीन है, तो वेस्ट के पास एक मॉडर्न मैकेनिक है, है ना। तो ये दोनों पिक्चर्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, ये दोनों पिक्चर्स हमें एक ऐसा फील करा रहे हैं कि जब इस सेंचुरी में लोग घुस रहे थे तो लोगों को लग रहा था, 20th सेंचुरी, तो लोगों को लग रहा था कि यार दुनिया बदलने वाली है, ये जो मशीनरी है, ये फैक्ट्री है, यही हमको प्रोग्रेस और फ्यूचर की तरफ ले जाएंगी, है ना। हमको लगने लगता है पिक्चर्स देख के कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, राइट, इट इज अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, कि एकदम से फैक्ट्री आई, एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और एकदम से हम डेवलपमेंट की तरफ चलने लग गए। नाउ यहां पर एक क्वेश्चन आता है, जब हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स, हमें इमीडिएटली लगता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री वर्कर्स, है ना, और जब हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हमें लगने लगता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री प्रोडक्शन, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री प्रोडक्शन। तो इज दैट ट्रू, डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसी इंडस्ट्रीज आई, क्या हमारा सारा का सारा प्रोडक्शन जो है फैक्ट्री में होने लगा? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एग्रेरियन सोसाइटी में थे और फिर एकदम से कूद के इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में घुस गए। उससे पहले हिस्टोरियंस कहते हैं कि वी वेंट थ्रू अ फेज ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है तो बड़ा ध्यान से सुनना। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो वाला एज है दैट इज जस्ट बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, दैट इज जस्ट बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इवन बिफोर फैक्ट्रीज जो है इंग्लैंड में आए, जैसे ही, मतलब इवन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे बोलते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। तो 17th-18th century, क्या है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो गाइस सबसे पहले क्या हुआ कि कोई भी नई चीज आती है उससे पहले उस चीज की नीड आती है ना। हमने लेट्स से नीड आया ग्रीन टी का, तभी ग्रीन टी बना। नीड आया कुछ ऐसा पीने का कि हम पतले हो जाए, तो ग्रीन टी का इन्वेंशन हुआ। वैसे ही अगर हम अपने ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखें, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो आप देखोगे कि एक पॉइंट आया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी, है ना। लोग जो है, जो नए एम्पायर्स हैं, ये जो ब्रिटिश एम्पायर हो गया, अलग अलग फ्रेंच एम्पायर हो गया, ये नई नई कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने लग गई, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को लिया, है ना। तो उससे क्या हुआ कि देयर इज मोर डिमांड फॉर गुड्स दैट स्टार्टेड ग्रोइंग। ज्यादा से ज्यादा गुड्स का डिमांड बढ़ने लगा। किस टाइप के गुड्स? एग्रीकल्चरल गुड्स, कॉटन टी शर्ट्स, बर्गर, ये वो सबके डिमांड बढ़ने लग गई। अब डिमांड बढ़ने लग गई तो ऑब्वियसली इस डिमांड को मीट करने के लिए मर्चेंट्स ने डिसाइड किया कि हम गांव जाएंगे इस प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो मर्चेंट्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द कंट्री साइड, टुवर्ड्स गांव, और वहां पर उन्होंने वहां के आर्टिसंस, वहां के फार्मर्स को बोला कि हम तुमको पैसा देंगे, तुम हमको प्रोड्यूस प्रोडक्शन दो, हम तुमको पैसा देंगे, तुम हमें 200 टी-शर्ट्स पर डे दो। एंड ये टी-शर्ट्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में सेल की जाती थी। अब यहां आपके दिमाग में एक और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द मर्चेंट्स मूव टुवर्ड्स द कंट्री साइड, व्हाई डिड दे नॉट स्टार्ट प्रोडक्शन इन द सिटी, इन द टाउन, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो गाइस टाउन्स में क्या था ना प्रॉब्लम, कि अर्बन क्राफ्ट, वहां पर पहले से ट्रेड गिल्ड्स एस्टैब्लिश थे। ट्रेड गिल्ड्स होते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस, है ना। तो ज्वेलरी वालों का अलग गिल्ड था, कपड़ों वालों का, टेक्सटाइल वालों का अलग गिल्ड था, आर्टिजन्स का अलग गिल्ड था, एक एसोसिएशन था। एंड वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखते थे ओवर व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ओवर हु टू सेल, किसका प्रोड्यूस होगा, किसको हम बेचेंगे, किस प्राइस पे बेचेंगे, जैसे यूनियन होता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड गिल्ड्स थे। तो जो मर्चेंट्स है, जो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट में बेचना चाह रहे थे, उन्हें लगा कि शहरों में तो हमको एंट्री मिलेगी नहीं,
यहाँ के गिल्ड्स हमको यहाँ बिजनेस करने नहीं देंगे, इसीलिए वो गांव गांव जाने लग गए, राइट? सो दीज एसोसिएशंस, एज आई टोल्ड यू, मेंटेन्ड कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, वो कॉम्पिटिशन रेगुलेट करते थे, प्राइसेस रेगुलेट करते थे और काफी स्ट्रॉन्ग थे, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो यू नो सिटीज टाउन्स की बात करें तो जो रूलर्स थे, जो उस टाइम के राजा थे, उन्होंने मोनोपोली राइट्स दिए थे. मोनोपोली मतलब गेम मोनोपोली, एक्सक्लूसिव राइट्स, है ना, टू सर्टेन ट्रेडर्स टू ट्रेड इन स्पेसिफिक थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, रूलर्स ने बोला कि यार देखो सिल्क में तो यही एक कमिटी कम्युनिटी है जो ट्रेड कर सकता है और कोई ट्रेड नहीं कर सकता. तो इतने रिस्ट्रिक्शन में मर्चेंट्स शहर में काम नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें गांव जाना पड़ा. ठीक है, सो दे टर्न्ड टुवर्ड्स द कंट्री साइड. तीन पॉइंट्स, तीन क्वेश्चन, तीन मार्कर का क्वेश्चन होगा एंड दीज विल बी योर थ्री पॉइंट्स. ठीक है, ऑल राइट. नाउ उससे क्या हुआ, बिकॉज मर्चेंट्स जो है वो कंट्री साइड गांव जाने लग गए फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, दिस एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड. अनदर बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ डिड अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड. तो गाइस, जो पुअर पेजेंट्स, जो क्या हुआ, जो मर्चेंट्स, इमेजिन आप मर्चेंट हो, आप गांव जा रहे हो, गांव में आप देखोगे कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे आर्टिसंस हैं जो बड़े गरीब हैं, है ना. मतलब पहले वो गरीब नहीं थे, पर अब गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे, क्योंकि डेवलपमेंट भी हो रहा है ना, डेवलपमेंट के वजह से इंडस्ट्रियल, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आएगा, तो पेड़ कट रहे हैं. जो कॉमन ग्राउंड्स थे जिसपे वो अपने गाय वगैरह चराए करते थे, चारा वगैरह खाते थे, वो जो कॉमन ग्राउंड है वो भी डिसअपियर हो रहा है. तो वैसे भी फार्मर्स और आर्टिसंस, आर्टिसंस की भी बुरी हालत थी उस टाइम पे, तो फार्मर्स और आर्टिसंस वैसे भी काम ढूंढ रहे थे, वो काम ढूंढ रहे थे, मर्चेंट्स अपने साथ काम ला रहे थे कि भैया हमारा काम कर दो, तो अच्छी जोड़ी बन गई उनकी, है ना. तो कॉटेजर्स मतलब जो कॉटन इंडस्ट्री वाले हैं, जो होम प्रोडक्शन करते थे, एंड पुअर पेजेंट्स हु आर अर्लियर डिपेंडेंट ऑन कॉमन लैंड फॉर देयर सर्वाइवल, जो पहले कॉमन लैंड पे डिपेंड करते थे, जो जंगल है उनके प्रोड्यूस पे डिपेंड करते थे, जो भी गांव में प्रोड्यूस हो रहा है उस पर डिपेंडेंट करते थे, वो ढूंढ रहे थे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, एंड तभी आए मर्चेंट्स, राइट. मैनी ऑफ द, अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड होते थे. अब आपको पता ही है ज्योग्राफी में कि छोटा प्लॉट ऑफ लैंड है, घर में है 10 लोग, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, है ना. 10 लोग कैसे काम करेंगे इतने छोटे लैंड पे, 8 लोग बेकार पड़े रहेंगे. तो वो लोग भी अदर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे थे, है ना. तो मर्चेंट्स आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुमको देंगे एडवांस पेमेंट, हम देंगे तुम्हें 1,000 रुपए हाथ में, तुम जाओ रॉ मटेरियल खरीदो, इस तरीके का प्रोडक्शन करो और हमको वो बेच दो, ठीक है, और अपना लोन चुका दो, राइट. सो मेनी पीपल लव्ड दिस आइडिया. जो फार्मर्स ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बिना शहर गए गांव में रह के हमको काम मिल रहा है ना, और साथ साथ हम अपने फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, राइट. सो दिस बिकॉज मर्चेंट्स वर कमिंग टू गांव, गिविंग देम वर्क इन द कंट्री साइड में वो लोग काफी खुश थे, फार्मर्स और आर्टिसंस, की गांव में रह के हमें काम मिल रहा है, अभी तक हम लोगों के पास इनकम नहीं थी, अभी हमें एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी मिल गई. तो अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड. ठीक है, जो मर्चेंट्स है वो टाउन से आते थे, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन अभी कंट्री साइड में हो रहा था. तो याद रखना, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है, जहां फैक्ट्रीज थोड़ी बहुत आ गई हैं, बट अभी भी आपका मेजर प्रोडक्शन हो रहा है गांव में. ठीक है, तो अब हम समझते कि प्रोडक्शन हो कैसे रहा था. तो गाइस, गांव में आपका इनिशियल वर्क चल रहा था, जैसे स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग का वर्क. स्टेपलर होता है, अगेन ये सब टेक्सटाइल में, कपड़े बनाने में चलता है, कि स्टेपलर होता है कि सारा फाइबर के हिसाब से स्टेपल किया जाता है आपके यार्न को. फुलर होता है जो गैदर करता है, प्लीटिंग करता है. कार्डिंग होता है द प्रोसेस इन विच फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग. तो स्पिन करने से पहले, मतलब ये सब कॉटन या जो भी आपका जो आपका रॉ मटेरियल है, वो ये सब प्रोसेस के थ्रू जाता है एंड फिर वो कपड़ा बनता है. तो ये जो सारे प्रोसेसेस थे ये गांव में होते थे, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था, होता है ना, फिनिशिंग वर्क जो होता था, वो होता था टाउन में, लंदन में. तो लंदन आल्सो केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर. वन मार्कर आता है ये, याद रखना,
लंदन ऑल्सो केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर, और जो भी यहाँ सामान बनता था इट यूज टू बी सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, ऑल राइट. नाउ एडवांटेजेस क्या था, वाई डिड पुअर पेजेंट्स एंड आर्टिसंस एग्री टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं. वन, अभी तक क्या था, उनके लैंड छोटा हो रहा था, उनको नौकरियां और चाहिए थी, सो दे फाउंड एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम एंड वर्क. ऑल्टरनेटिव मतलब कोई और सोर्स मिल गया उनको काम और धंधे का. सेकेंड, पहले अभी तक जो क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा था, श्रिंक हो रहा था, तो इसीलिए यू नो दिस सप्लीमेंटेड देम, दिस गेव देम अनदर सोर्स ऑफ इनकम. थर्ड, जो फैमिली लेबर था उसका अच्छा यूज हो गया. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर में होता है वो अब नहीं रहा, क्योंकि छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड में तीन लोग काम करते थे, बाकी जो आठ लोग थे फैमिली के वो ये वाला काम करते थे जो मर्चेंट्स लाते थे, है ना. एंड घर पे रह के काम करना पड़े, वर्क फ्रॉम होम, तो इससे बढ़िया बात है ही क्या. सो दे वर एबल टू रिमेन इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो हेल्प देयर फैमिली कल्टिवेट द स्मॉल प्लॉट्स. ठीक है, तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब धीरे धीरे फैक्ट्रीज जो है काफी ज्यादा शहरों में बसने लगी. किस टाइप की फैक्ट्रीज, तो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज जो है 1730s में आई. बाय द 18th सेंचुरी, लाइक लेट 18th सेंचुरी, काफी सारी फैक्ट्रीज आ जाती है. 1760 में वी सी द कॉटन का प्रोडक्शन सबसे पहले होता है. कॉटन जो है बिकम्स द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइज, लाइक होता है फर्स्ट सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. हम लोग जो है, ब्रिटेन जो है इम्पोर्ट करने लगा काफ़ी सारा रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया, इंडिया एंड अदर कॉलोनीज, जिसका इम्पैक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, इंडिया पे बहुत बुरा था, है ना. फिर 1787 में कॉटन इम्पोर्ट्स रोज टू 22 million pounds. क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो क्लाइमेट है, सॉइल है, वो कॉटन के लिए अच्छा नहीं है, है ना. पर उनके पास फैक्ट्री थी तो अच्छा अच्छा क्वालिटी कॉटन जो है इम्पोर्ट करते थे इंडिया से, अच्छे अच्छे कपड़े बनाते थे और फिर हमारे ही देश उसको बेचते थे. ठीक है, चलो फिर क्या क्या इन्वेंशंस हुई इन द 18th सेंचुरी, इसका एक अलग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो मेक श्योर दैट यू लिसन. व्हाट आर द इन्वेंशंस दैट टुक प्लेस इन द 18th सेंचुरी. वन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होने लगा, स्पेशली बिकॉज कॉटन मिल इन्वेंट किया रिचर्ड आर्कराइट ने. किसने? रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल इन्वेंट किया. कॉटन मिल के हिसाब से फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोड्यूसिंग अ क्लॉथ टू द लास्ट स्टेप, हर चीज एक रूफ के अंदर आ गई. सारे वर्कर्स अब गांव में नहीं, एक रूफ के अंदर काम कर सकते हैं. तो उससे क्या हुआ ना कि हर वर्कर के आउटपुट पे एक प्रॉपर कंट्रोल और सुपरविजन होने लगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोलो कि यार तू ना मेरा एक शर्ट बना दे, अब वो अपनी मन मर्जी से खा पी रहा है, शर्ट बना रहा है ना, कहेगा 10 दिन में दूंगा. बट अब वही वर्कर को आप अपने फैक्ट्री में ला सकते हो और बोल सकते हो कि बेटा अब तो एक दिन में दो शर्ट, क्योंकि मुझे दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो, है ना. तो अच्छा सुपरविजन होने लगा, आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज हुआ, राइट. कॉस्टली न्यू मशीन्स काफी फैक्ट्री वालों ने खरीदे जिससे प्रोडक्शन बढ़ा. एंड अर्ली 19th सेंचुरी तक वी सी दैट फैक्ट्रीज बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप. बट ये हमने जो जल्दी 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 एक स्लाइड पे पढ़ लिया ना, हाउ फैक्ट्रीज केम अप, इसके पीछे काफी इम्पैक्ट और प्रोसेसेस थे. ठीक है, उसको पढ़ते हैं. नाउ वी सॉ दैट फ्रॉम द 1730s ऑनवर्ड्स, बाय द टाइम वी रीच द 19th सेंचुरी 1800s 1850s, हम ये देखते हैं कि फैक्ट्री जो है इंग्लैंड में काफी ज्यादा आ चुकी है, है ना. बट द क्वेश्चन दैट कम्स अप इज, वाज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वेरी फास्ट, वर पीपल इजिली एक्सेप्टिंग इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज न्यू मशीनरी. क्या हमने एक्सेप्ट कर लिया, नई मशीनरी आई, नई टेक्नोलॉजी है और बस बल्ले बल्ले क्या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में भागते हुए कूदे, राइट. तो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे. सबसे पहले गाइज, ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर में फैक्ट्री आ गई थी. दो सेक्टर में फैक्ट्रीज आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. पहला है कॉटन और दूसरा है मेटल, है ना. कॉटन तो आपको पता ही है, मैंने बोला दैट कॉटन वाज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, है ना. तो कॉटन काफी फास्ट पेस पे ग्रो किया, है ना. एंड बाय 1840s इट वाज अ वेरी, इट प्लेड अ वेरी बिग रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन. बट जब रेलवे का एक्सपेंशन होने लगा और आयरन एंड स्टील स्पेशली का डिमांड बढ़ने लगा, तो वी सी दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फार सरपासेस द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गई. इतनी ज्यादा दैट बाय 1870 ब्रिटेन वॉज इंपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट 77
पाउंड यू नो मिलियन डॉलर्स डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट. तो सबसे ज्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन किस में आया? कॉटन और मेटल में, राइट. अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो ऐसे ही आसानी से हम एक्सेप्ट नहीं करते, है ना. सो न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. चाहे कितना स्विगी आए, रेस्टोरेंट में जाके खाने का मजा ही कुछ और है, है ना. चाहे हम कितनी ऑनलाइन शॉपिंग कर ले, फिर भी अगर हम महंगी चीज खरीद रहे हैं, हम शॉप में जाके ही खरीदते हैं, राइट. तो टेक्नोलॉजी डज नॉट ऑलवेज रिप्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. तो इवन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ द वर्कफोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रीज. मतलब जब हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, वाह वाह, हम तो प्रोग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं, उस टाइम तक भी सिर्फ 20% से कम वर्कर्स जो है फैक्ट्री में काम कर रहे थे, है ना. टेक्सटाइल जो है वो डायनेमिक सेंटर था, एक डायनेमिक सेक्टर था, वहां बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज बन रही थी, बट उसकी भी आधा जो काम था, जैसे मैं आपको बताया स्टेपलर कार्डिंग, ये जो बेसिक काम था, ये अभी भी कंट्री साइड में हो रहा था, लोगों के घरों में हो रहा था. मोस्ट ऑफ द फिनिशिंग वर्क वॉज डन इन द फैक्ट्रीज, बट मोस्ट ऑफ द रॉ वर्क वॉज स्टिल डन इन द कंट्री साइड. तो हम ये नहीं कह सकते कि न्यू इंडस्ट्रीज डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, नहीं, ऐसा नहीं था, राइट. अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी बस लेट ही नहीं थी, वो स्टैग्नेंट नहीं थी, उसमें भी काफी डेवलपमेंट आया. हो सकता है कि भयंकर स्टीम पावर्ड डेवलपमेंट नहीं आया, कि स्टीम इंजन आ गया वैसा टाइप डेवलपमेंट नहीं, पर छोटे छोटे इनोवेशन आए. वहां के लोगों ने भी छोटा छोटा मैकेनाइजेशन शुरू किया. मैकेनाइजेशन मतलब यूज ऑफ मशीनरी, है ना, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े इन स्मॉल सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग, ग्लास वर्क, फर्नीचर मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स. तो उन्होंने भी एक तरीके से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया, ठीक है. फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंज टुक प्लेस स्लोली. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इस पे क्वेश्चन आता है कि जब नई टेक्नोलॉजी आई इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, जैसे स्टीम इंजन हो गए, तो ऐसा नहीं है कि सबने इजीली उसे एक्सेप्ट किया. क्यों? पहली बात तो गाइस, ये नई टेक्नोलॉजी काफी महंगी थी. जैसे जब पहली बार आईफोन आया था ना इंडिया में, तो बहुत कम लोगों के पास रहता था, है ना. या फिर अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, या फिर हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी की बात करें, तो बहुत कम लोग होते हैं जो नई टेक्नोलॉजी को इजीली एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी रिस्की होती है, बहुत महंगी होती है. अगर मशीनरी खराब हो जाए तो इसमें काफी इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है उसको ठीक कराने के लिए, है ना. तो इतने इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि वो नई होती है. कोई भी नई टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उसको इम्प्रूव करते हैं हम हर साल. तो पहली बार में जो आपके फैक्ट्री ओनर्स थे वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे नई टेक्नोलॉजी पे, नई इंडस्ट्री पे, नई मशीनों पे, है ना. एंड लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द स्टीम इंजन. बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रखा है आपकी बुक में. तो स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी इज अ बिग टेक्नोलॉजी. द आइडिया इज कि आपको एनर्जी मिल रही है थ्रू स्टीम, जिसके वजह से मशीन तेज तेज चल के आपका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, है ना. दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट. अब स्टीम इंजन एक्चुअली प्रोड्यूस तो की थी न्यू कोमन ने, बट जेम्स वॉट थे जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया एंड फाइनली पेटेंट किया इन 1781. पेटेंट मतलब एक तरीके से अपना नाम इस टेक्नोलॉजी, इस इन्वेंशन से जोड़ दिया, और कोई और अपने आप को इन्वेंटर नहीं बुला सकता इस चीज का, एंड कोई और इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता जेम्स वॉट के अलावा, ठीक है. टेक्नोलॉजी उनकी हो गई है, राइट. अब उसके बाद इसको प्रोड्यूस किया उनका इंडस्ट्रियल फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन में. अब आप कहोगे कि मैम ये टेक्नोलॉजी इतनी अमेजिंग थी, इतनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वो प्रॉमिस कर रही थी, तो आई एम श्योर इंडस्ट्रियलिस्ट ने एकदम से इसको ले लिया होगा. तो ऐसा नहीं है. फॉर इयर्स इट कुड फाइंड नो बायर्स, राइट. तो ये वाला जो पीरियड है जहां पर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है बट इजिली एक्सेप्ट नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज आ गई है, फैक्ट्रीज हो गई है, बट उसका पेस बहुत धीमे है, जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स है वो अभी भी घर से काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी वर्कर है वो एक मैकेनिकल ऑपरेटर नहीं है बट एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन और लेबर है, है ना. दैट लाइक दिस पीरियड इज कॉल्ड बाय हिस्टोरियंस एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जस्ट पहले वाला टाइम, ठीक है. अब बिग क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जाम, What was the condition of labor? ऐसा क्यों है कि मशीनों के आने के बाद भी
जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे प्रिफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन लेबर. तो गाइस विक्टोरियन इंग्लैंड में जो इंग्लैंड था उस टाइम का अंडर द विक्टोरियन क्वीन विक्टोरिया एरा, उस टाइम पे लोगों की कमी नहीं थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी. ऐसी पॉपुलेशन जो काम के लिए बेचारे मर रहे थे, ऐसी बहुत पॉपुलेशन थी. अब जब ज्यादा लेबर हो जाती है और काम कम है तो ऑब्वियसली वेजेस कम होंगे, है ना. सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाता है ना. तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत कम पैसा देते थे वर्कर्स को. वर्कर्स कहेंगे कम पैसा है, अरे तुम नहीं काम करोगे कोई और काम कर लेगा भाई, है ना. तो ये एक आइडियोलॉजी चल रही थी. तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी लेबर की, तो वो क्यों खरीदेंगे मशीनरी, है ना. मशीनरी में काफी ज्यादा पैसा जाता था, राइट. सेकेंड मेजर रीजन, सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज डिमांडेड लेबर फॉर अ स्पेसिफिक सीजन. उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, है ना, सीजनल थी. सीजनल थी मतलब उनको कुछ टाइम के लिए ही काम करवाना था. फॉर एग्जाम्पल बुक बाइंडर्स की बात करें तो क्रिसमस पे बुक की बाइंडिंग करना, बुक की प्रिंटिंग का प्रोडक्शन बढ़ जाता था, है ना. अब फिर 2 महीने के लिए मशीन, इतनी महंगी मशीन खरीदने का कोई तुक नहीं है, तो उनको इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता था कि ठीक है हम लोग लेबर ज्यादा कर लेंगे सीजनल टाइम में, ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करके अपना काम खत्म कर देंगे, है ना. वैसे ही गैस वर्क एंड ब्रूअरीज जो है देवर बॉट इन द देवर बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स, क्योंकि जो गैस वर्क है, ब्रूअरीज है, शराब की जो दुकानें हैं जहाँ गरम गरम गैस का काम होता है, ये सब चीज विंटर टाइम्स में ज्यादा वर्कर्स की नीड थी उनको. वाटर फ्रंट में विंटर टाइम में शिप्स जो है रिपेयर की जाती थी और उसको स्प्रूस अप किया जाता था, क्योंकि समर टाइम में शिप्स जो है सी में होती थी. तो सीजनल वर्क के वजह से लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट वुड नॉट प्रिफर बाइंग मशीन एंड दे लाइक्ड गेटिंग लेबर जो सस्ती में उनको मिल जाती थी. ये अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड ओनली बी प्रोड्यूस्ड विद हैंड लेबर. अनदर रीजन व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रिफर्ड हैंड लेबर वाज बहुत सारी चीजें थी जो मशीन नहीं बना पाती थी, है ना. जैसे कुछ तरीके की एक्सेस हो गए, कुछ तरीके के बैटल के सामान हो गए, वो हाथ से अलग अलग वेराइटीज के बनते थे, अलग अलग शेप्स के बनते थे, तो वो सिर्फ हाथ से ही बन सकता है, वो मैकेनिकल स्किल से नहीं बन सकता था. दूसरा रीजन है कि जो अपर क्लास है उस टाइम के, है ना, और ये हर जगह प्रिंट कल्चर में भी आपने पढ़ा है कि जो अपर क्लास थे, जो अपने आप को बुर्जवासी मानते थे, जो आप सॉरी प्रोलिटेरिएट मानते थे, वो एरिस्टोक्रेट्स, हाँ बुर्जवासी मानते थे, एरिस्टोक्रेट्स, बुर्जवासी मतलब ओनर्स, राइट, ओनर्स, जैसे फैक्ट्री ओनर्स हो गए, हाउस ओनर्स हो गए, जो अपने आप को ओनर्स कंट्रोलर्स मानते थे, वो दे यूज टू प्रेफर थिंग्स बाय हैंड, क्योंकि जो हाथ की बनी हुई चीज होती है उसमें स्किल दिखता है, उसमें फिनेस दिखता है, उसमें क्वालिटी दिखती है. जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स है उसको वल्गैरिटी समझा जाता था कि यार ये तो मशीन मेड है, इसका तो मेकिंग ही इतना अच्छा नहीं है, है ना. तो दैट वॉज कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज. सोचा जाता था कि ठीक है ये आइटम को तो एक्सपोर्ट कर दो आप ब्रिटिश किसी कॉलोनी में, राइट. नाउ जब ये सिचुएशन आ गई, मतलब आप समझ लो कि फैक्ट्रीज आ गई है ना, मशीनरी आ गई है, बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है दे आर प्रेफरिंग टू स्टिल एम्प्लॉय लेबर, ह्यूमन लेबर. तो आप कहोगे कि इसमें क्या थी वर्कर्स की लाइफ, है ना, वॉज देयर वर्कर्स लाइफ गुड क्योंकि उनका डिमांड बढ़ गया है, और वॉज इट बैड. तो मैं बता चुकी हूँ कि बिकॉज इतना ज्यादा लेबर अवेलेबल था तो उनके वेजेस बहुत कम थे, उनको पैसे बहुत कम दिए जाते थे. नॉट जस्ट दैट, नौकरी के लिए उनको 2 चीजों पे डिपेंडेंट होना पड़ा. पहले एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप, राइट, एंड सेकेंड इज किन रिलेशंस, है ना. एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप, जो भी उनके दोस्त वोस्त थे उन पर डिपेंड, और किन रिलेशंस मतलब फैमिली में अगर वो किसी को जानते हैं तो उसके थ्रू उनको नौकरी मिलती थी. अगर आज मेरा ताऊ है, ताऊजी है, ताऊजी के जो फ्रेंड है उनकी फैक्ट्री है तो मुझको नौकरी मिल जाएगी, है ना. अपर अगर मेरा कोई ताऊजी नहीं है टाउन में तो नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता था. और जो जॉब सीकर्स होते थे वो शहर आ तो जाते थे नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन बेचारों को जगह नहीं मिलती थी सोने की, पैसे नहीं थे खाना खाने के, तो उनको रहना पड़ता था नाइट शेल्टर्स में, कैजुअल वार्ड्स जो है, जो पुअर अथॉरिटीज, सरकार की पुअर अथॉरिटीज सेटअप करती थी, उन कैजुअल वर्क वार्ड्स में रहना पड़ता था, है ना. क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री सीजनल थे, जैसे मैंने आपको बताया ब्रूअरी इंडस्ट्री हो गई, बुक बाइंडिंग इंडस्ट्री हो गई, कुछ महीने ही ये लोग लेबर एम्प्लॉय करते थे, इसीलिए मोस्ट ऑफ द लेबर गॉट जॉब्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स.
बाकी जो महीने थे वो बेचारे सड़क पे आ जाते थे, वापस गांव चले जाते थे या छोटे छोटे यू नो अपने ऑड जॉब्स ढूंढते थे, राइट? नाउ 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि थोड़ा चेंज आने लगता है एंड वर्कर्स की वेजेस बढ़ जाती है, पर बिकॉज नेपोलियन और ये सब पूरा चक्कर होता है, देयर इज आल्सो राइज इन प्राइसेस। तो गाइज अगर आपकी वेज बढ़ी 10 रुपए से 20 रुपए, है ना, पर बिस्किट जो 5 रुपए का था वो 50 रुपए का हो गया, तो आपकी तो अभी भी बड़ी बुरी हालत है, क्योंकि पहले जो है किसी तरीके से बिस्किट खरीद भी लो, अब तो बिस्किट जो है आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है ना। तो वेजेस वर्सेस रियल वेजेस, वेजेस बढ़े बट रियल वेजेस जो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी थी वो घट गई, है ना। तो ये होने लगा वर्कर्स के साथ। अब जब वैसे ही इतनी बुरी हालत है तो इस टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने लगी और इंडस्ट्रियलिस्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने लग गए, तो वर्कर्स के अंदर you know, काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ने लग गया, हॉस्टिलिटी बढ़ने लग गया टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी दैट वॉज रिप्लेसिंग वर्कर्स, है ना। तो द पीपल स्टार्टेड अटैकिंग, जैसे स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी एक ऐसा तरीका था जिसमें वो जो मशीन थी वो बहुत सारे थ्रेड्स जल्दी जल्दी एक साथ जो है स्पिन करेगी, है ना। अभी तो वर्कर एक ही स्पिन कर पाता था, याद है गांधी जी करते रहते थे बेचारे बैठ के, है ना। यहाँ तो पूरी मशीनरी जल्दी चल रही है। तो वुमेन जो है दे स्टार्टेड अटैकिंग द स्पिनिंग जेनी बोल के कि ये जो मशीन है ये हमारी नौकरी हमसे छीनेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इंग्लैंड। नाउ व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, जैसे इंडिया। मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया की सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हम पहले पढ़ेंगे कि इंडिया की सिचुएशन क्या थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, ठीक है। तीन पार्ट से इस पार्ट के एंड वेरी इजी, वेरी कॉमन, वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव जस्ट स्टडीड। तो गाइज अगर हम इंडियन टेक्सटाइल की बात करें तो वी वर डोमिनेंट इन सिल्क एंड कॉटन प्रोडक्शन, है ना। मेजर पोर्ट्स थे हमारे मसूलीपट्टनम, हुगली और सूरत, याद रखना ये तीन मेजर पोर्ट्स थे जिससे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। काफ़ी सारे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स इसमें इन्वॉल्व थे, है ना। बट हम देखते हैं एज वी रीच टूवर्ड्स द 1750s द इंडियन ट्रेड नेटवर्क है दैट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन पावर्स है दे स्टार्ट you know, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है, वो कंसेशंस लेने लगते हैं ट्रेड करने के लिए, वो एक फेवर लेने लगते हैं फ्रॉम इंडियन रूलर्स। उस टाइम मुगल्स थे तो मुगल्स के अंडर वो फेवर लेने लग गए। तो हम देखते हैं कि जो हुगली और सूरत you know, ये वाले जो पोर्ट्स थे इनकी इंपॉर्टेंस डिक्लाइन करने लगती है। एक्सपोर्ट्स जो है फॉल, बताऊंगी कैसे, बट बिकॉज ट्रेड नेटवर्क इंडिया का काफ़ी बुरा हो गया तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करते थे हमारा सामान। लोकल बैंकर्स जो है जो काफ़ी इन्वॉल्व थे ट्रेड में वो बैंकरप्ट होने लगे। एंड वी सी दैट ब्रिटिशर्स चूज टू पोर्ट्स फॉर देयर वर्क, बॉम्बे एंड कलकत्ता, और वो इम्पोर्टेंस में बढ़ने लगा विच शोज द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ कोलोनियल पावर्स लाइक ब्रिटिश, राइट। ना हुआ क्या वीवर्स को, क्यों डिक्लाइन किया पूरा ट्रेडिंग हमारा सिस्टम? तो गाइस बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पावर जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज है दे हैड नॉट येट एक्सपेंडेड। इंडियन टेक्सटाइल जो है दे वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, है ना। तो ये जो हमारे पोर्चुगीज से, डच से, फ्रेंच से, ब्रिटिश से सब लोग इंडिया आते थे हमारा कॉटन और सिल्क खरीदने के लिए। तो वीवर्स के बड़े मजे थे, वीवर्स ने कहा अच्छा ब्रिटिशर्स ने खरीदा 100 रुपए किलो में, कोई बात नहीं हम पोर्चुगीज को बेच देंगे। तो वीवर्स हैड अल्टीमेट अल्टीमेट कंट्रोल ओवर एट व्हाट प्राइस दे वर सेलिंग देयर प्रोड्यूस, किस प्राइस पे उनको बेचना है, किस क्वालिटी का उनको बेचना है, हर चीज जो है वीवर्स के हाथ में था। तो हमारी काफी अच्छी पोजिशन थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस सिचुएशन में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में कभी कभी उसको अपना सप्लाई नहीं मिलता था, है ना। बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता ही है क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासे ये सब हुआ था, तब जब उसने पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया इंडिया का, सो इट स्टार्टेड एसर्टिंग मोनोपोली राइट टू ट्रेड। उसने कहा अब हम राजा हैं इंडिया के, अब सिर्फ हम ही इंडिया से ट्रेड करेंगे, मोनोपोली टू ट्रेड, है ना। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट किया जिससे जो भी कंपटीशन था उसको हटाया गया, राइट, एंड इंश्योर किया गया कि उनको रेगुलर सप्लाई मिलेगा ऑफ कॉटन एंड सिल्क। क्वेश्चन आता है हाउ,
राइट, हाउ डिड द ब्रिटिशर्स एंश्योर दैट दे विल गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम इंडिया? तो कंपनी ने सबसे पहले जो अपने कॉम्पिटिशन है उसको हटाया, फिर उन्होंने गोमस्तास को रिक्रूट किया. गोमस्तास का मतलब कुछ नहीं होता, गुंडा होता है. गुंडा उन्होंने रिक्रूट किया कि जो गुंडे हैं ये लोग इंश्योर करेंगे कि वीवर्स अपना काम खत्म करें और टाइम पे हमको अपना प्रोडक्ट दे. ठीक है, तो इट प्रिवेंटेड द कंपनी. अच्छा, एडवांस पेमेंट का सिस्टम शुरू किया कि एडवांस पेमेंट कंपनी दे देती थी वीवर्स को, बोलती थी देखो ये वाला सामान हमें 6 महीने में चाहिए, नहीं दोगे तो हम गोमस्तास भेजेंगे. गोमस्तास बड़े एरोगेंट थे, पुलिस वगैरह के साथ आते थे, वीवर्स को पीट पाट के सामान ले जाते थे, कभी कभी पैसा भी नहीं देते थे वीवर्स को अपने काम के लिए. इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे जो वीवर्स है उसके पूरे इंडियन ट्रेड को पूरा बर्बाद कर दिया एंड खुद सारा प्रॉफिट खा गए. राइट, नाउ व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एडवांस पेमेंट बाय द ब्रिटिश? एज द लोन्स फ्लोन्ड इन एंड डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड, वीवर्स ईगरली टुक द एडवांसेस होपिंग टू अर्न मोर. तो गाइज, धीरे मतलब जब ब्रिटिशर्स इनिशियली उन्होंने एडवांस पेमेंट का मेथड शुरू किया तो हमारे वीवर्स बड़े खुश थे. भी हम कर चुके हैं पहले भी ब्रिटिश में, है ना. वीवर्स खुश थे क्यों? क्योंकि वीवर्स को लगा कि हमें हाथ में शुरू में ही पैसा मिल रहा है और ब्रिटिशर्स कह भी रहे हैं हमसे खरीद लेंगे. तो काफी वीवर्स ने जो है एडवांस पेमेंट ले लिया. अब वीवर्स जो है वो फार्मर्स भी थे, तो अपना लैंड भी कल्टिवेट करते थे गांव में और वीविंग भी करते थे. धीरे धीरे उनको इतना ज्यादा ऑर्डर मिलने लग गया वीविंग का कि उन्होंने अपना सारा नौकरी वोकरी गांव ये एग्रीकल्चर छोड़ के पूरी फैमिली जो है वीविंग में लग गई. राइट, बट पहले जो वीवर्स के पास कंट्रोल रहता था कि हम इस प्राइस पे बेचेंगे, हम इस क्वालिटी का बेचेंगे, वो सारा कंट्रोल वीवर्स के हाथ से छीन लिया गया. अब ब्रिटिशर्स एडवांस पेमेंट देते ही बोलते थे कि हम तो इसी प्राइस पे तुमसे खरीदेंगे, है ना. बहुत कम प्राइस पे वीवर्स से सामान खरीदा जाता था, कोई कंपटीशन नहीं था, तो वीवर्स को कोई पास ऑप्शन नहीं था ब्रिटिशर्स को बेचने के अलावा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारे कंपटीशन को हटा दिया था. राइट, एंड द लोन्स यू नो बिकॉज वो शुरू में ही एडवांस पेमेंट लोन था एक तरीके से, क्योंकि 100 रुपए का लोन लिया, 50 रुपए में सामान बेचा, 50 रुपए का लोन वह कैसे चुकाए, वापस से उनको लोन लेना पड़ता था, वापस से वीविंग करनी पड़ती थी. सो दिस कनेक्टेड द वीवर्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. राइट, नाउ ये था बिफोर यू नो जब वीविंग हुआ. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में आने लग गए तो हम पीछे कैसे रहते. 19th century में वी सी द मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया. मैनचेस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा फैक्ट्री, सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी थी, है ना. तो एक सिंबल है मैनचेस्टर. राइट, तो अर्ली 19th century में हम देखते हैं कि क्योंकि ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो रॉ कॉटन इंडिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लग गए. मैंने आपको बोला इसके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए तो हमारे वीवर्स को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई कम हो गई. सप्लाई ऑफ कॉटन यू नो रिड्यूस्ड, सप्लाई कम हो गई तो प्राइसेस बढ़ गए. प्राइसेस बढ़ गए तो हमारे वीवर्स ही यू नो एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे रॉ कॉटन खरीदने का, है ना. तो लोग तो काफ़ी बुरी हालत हो गई. सेकंड, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा वो लगा दिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए ऑन आर लोकल वीवर्स. तो क्या हुआ कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान बेच नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर 50 रुपए का बेच रहे उसमें से 100 रुपए का टैक्स ही देना पड़ रहा है, तो 200 रुपए का बेचना पड़ रहा है ब्रिटिश में, ब्रिटिश मार्केट में. बट ब्रिटिश मार्केट में मशीन मेड प्रोडक्ट्स भी थे जो 50 रुपए में बेच रहे, तो अपना सामान वो बेच नहीं पा रहे थे. इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिए थे, जिसके वजह से इंडिया में भी वीवर्स का जो सामान है वो कोई खरीद नहीं रहा था. सो द इंडियन मार्केट श्रैंक एंड द जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट है दैट ऑल्सो कोलैप्स्ड. राइट, अब किसी ने ये लाइन बोली थी, आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का, आप मुझे बताओगे किसने ये लाइन बोली थी. द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी. बहुत ही अच्छी लाइन है, उन्होंने कहा हमारा इंडिया जो प्रोड्यूस करता, हमारा नहीं उनका नहीं था इंडिया, बट इंडिया जो प्रोड्यूस करता है उतने फाइन क्वालिटी का था यू नो कॉटन एंड सिल्क, कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता. राइट, कोई उसको, कोई उस क्वालिटी का सामान नहीं बना सकता. अनफॉर्चुनेटली इनकी ये बात गलत हो गई विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो हु सेड दिस लाइन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
राइट अब फैक्ट्रीज केम अप इन इंडिया, अगर हम देखें 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल केम अप, बाय द टाइम 1885 यू हैव द फर्स्ट जूट मिल कमिंग अप, 1860 में कानपुर में शुरू हुआ कॉटन टेक्सटाइल, बाय 1874 मद्रास तक आ गया। तो लाइन हो जाता है इंडिया से बाय 1874 लेट 19th सेंचुरी। अब क्वेश्चन आता है कि भैया किसने इंडस्ट्री सेटअप की इंडिया में, किसके पास था इतना पैसा और कहां से आया, है ना। तो गाइस तीन आपको एंटरप्रेन्योर्स के नाम याद करने हैं। पहला है बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, जिन्होंने चाइना से ट्रेड करके अपना फॉर्च्यून बनाया था और उस पैसों से इंडस्ट्री सेटअप की। सेकेंड है बॉम्बे में पारसी, जैसे दिनशॉ पटीट और जमशेदजी नसुरवांजी, जो टाटाज हैं आपके, दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल यू नो सेटअप इन इंडिया, एंड पारसी ने भी काफ़ी ज़्यादा बाहर ट्रेड करके पैसा कमाया था। सेठ हुकुमचंद जो है वो मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने पहला इंडियन जूट मिल खोला चेन्नई में इन 1917, राइट। बट इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनका जो रहा था वो आसान नहीं था। द कोलोनियल गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ वेरी टाइट कंट्रोल ओवर आर एंटरप्रेन्योर्स। सो सबसे पहले जो है इंडियंस को बोला गया कि तुमको ट्रेड करना है, तुम ट्रेड करो, हाउएवर यू आर ओनली अलाउड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। जिनको जिस चीज की ब्रिटिशर्स को जरूरत थी वो कहा कि चलो तुम्हें ट्रेड करना है तुम करो। सो दे वर ओनली अलाउड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स, जैसे कॉटन हो गया, ओपियम हो गया, इंडिगो हो गया, है ना। सो विद टाइम जो है इंडियन ट्रेडर्स को शिपिंग बिजनेस से, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट वो लोग बेचते थे, उससे हटा दिया गया। उस टाइम पे काफी सारे यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज आए, जैसे हीगलर्स एंड कंपनी, एंड्रू यूल, जार्डीन स्किनर एंड कंपनी, है ना। ये इन लोगों ने कंट्रोल लिया हमारे ट्रेड का, हमारे पूरे एक्सपोर्ट बिजनेस का, एंड यू नो ये पैसा लेते थे इंडियन बैंकर्स से। हाउएवर जो पूरा ट्रेड कंट्रोल का, प्राइसेस हो गया, पूरा यू नो एक स्टॉक मार्केट हो गया, ये ही कंट्रोल करते थे। नॉट जस्ट दैट, यूरोपियन मर्चेंट्स ने अपना एक कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स भी बनाया, जहां इंडियन मर्चेंट्स को एंट्री नहीं थी, है ना। अब क्वेश्चन आता है वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। इंडिया में जब फैक्ट्रीज लग रही थी तो वर्कर्स आए कहाँ से? तो गाइस वर्कर्स वहीं से आए जहां से उनको नौकरी से निकाला जा रहा था, है ना। डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज्ड, तो उस टाइम भी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से काफी सारे जो ट्राइबल्स थे, काफी सारे जो फार्मर्स थे, जो बिल्कुल भूखमरी से मर रहे थे, जिनको इतना टैक्स और रेवेन्यू दे दे के हालत बुरी थी, दे वर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। तो बहुत सारे लोग गांव से शहर आने लग गए, बॉम्बे में, जैसे रत्नागिरी से बॉम्बे आने लग गए लुकिंग फॉर वर्क। मिल्स ऑफ कानपुर भी नियर बाय जो गांव थे वहां से लोग कानपुर आने लग गए लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। अब मैंने ऐसे एज आई सेड कि फिनिश्ड प्रोडक्ट हमको एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं था, तो जो यूरोपियन मैनेजिंग कमिटीज थी उन लोगों ने बोला कि ठीक है हमको चाहिए टी और कॉफी, काफी डिमांड में है ब्रिटिश मार्केट में, तो आप टी और कॉफी जो है यहाँ इंडिया में ग्रो करो, है ना, ये सिर्फ एक्सपोर्ट की जाएंगी। तो लेट 19th सेंचुरी में जो है इंडियन बिजनेसमैन भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने लग गए, टी कॉफी बेचने लग गए। जो यार्न प्रोड्यूस होता था इंडियन स्पिनिंग मिल्स में, उसको हैंडलूम, उसको यू नो एक्सपोर्ट करने लग गए चाइना में, जहां ब्रिटिशर्स नहीं करता था, या इंडिया में ही बेचने लग गए, राइट। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स में जो इंडस्ट्रीज थी वो वॉर एफर्ट्स में लग गई, वॉर गुड्स बनाने लग गई, तो उस टाइम इंडियन इंडस्ट्रीज का बूम हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बल्कि सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री बनी दैट स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील टू ब्रिटेन। तो हमारी सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेटर हुई। हाउएवर जस्ट लाइक इन ब्रिटिश, इंडिया में भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो ऐसा नहीं है सब जगह एकदम से एक साथ आ गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फिर भी प्रीडोमिनेंट थी हमारे देश में, काफी छोटा एक छोटा प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स जो है वो इंडस्ट्रीज में लगा हुआ था। काफी सारा आर्टिजन्स, फार्मर्स अभी भी गांव से ही काम कर रहे थे, ठीक है। अब फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन आता है हाउ वर एडवर्टाइजमेंट्स यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स टू मार्केट देयर गुड्स।
है ना। तो एडवर्टाइजमेंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज भी जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो अगर हमें कुछ चाहिए भी नहीं होता तब भी हम काफी बार खरीद लेते हैं सोच के कि हाँ यार ये तो हमको चाहिए, है ना। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कैसे किया, एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से किया कि जो ब्रिटिशर्स अपना सामान बेचते थे उससे लोगों के अंदर डिजायर पैदा होती थी कि हमको तो ये चीज खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाते थे टू शो कि यार ये मैनचेस्टर से बन के आई है, इम्पोर्टेड है तो क्वालिटी जरूर अच्छी होगी, है ना। या फिर कुछ कुछ जो लेबल्स थे उसमें ब्यूटीफुल इमेजेस होते थे, यू नो जो काफी सुंदर बनते थे तो लोग काफी अट्रैक्ट होते थे। बहुत जगह जो है लेबल्स पे इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की फोटो होती थी। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये काम करते थे बाय द वे, इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की फोटो लगा दी तो लोग कहेंगे कि हाँ यार ये तो अच्छा है, भगवान का नाम और फोटो है तो क्वालिटी तो अच्छी होगी, है ना। लोग जो है मैन्युफैक्चरर्स जो है कैलेंडर्स प्रिंट करने लग गए। इवन जब मैं छोटी थी तो बड़े बड़े कैलेंडर्स हमें मिलते थे जब हम स्वेटर वगैरह खरीदते थे और शॉप का नाम ऊपर होता था, भगवान की फोटो होती थी और पूरी कैलेंडर होती थी, उससे उस शॉप की पॉपुलैरिटी बढ़ती थी, राइट। सो गाइज ये है आपका बेसिक चैप्टर। आई डोंट नो कितना टाइम लगाया मैंने खत्म करने के लिए, आई थिंक मैंने ज्यादा ही लगा दिया, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन एनी पॉइंट, सो दैट इज वाई आई थॉट लेट मी डू द फुल चैप्टर विद यू। लास्ट वीक हमने रिवाइज इंडिया कर लिया है तो उसमें भी मैंने ये चैप्टर रिवाइज किया था विद क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो वाला सेशन देखना मत भूलना। अब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वी क्विज दे रखा है गाइज, प्लीज उस वी क्विज को अटेम्प्ट करो टू मेक श्योर दैट यू हैव यू नो अंडरस्टूड द एंटायर चैप्टर टुडे। सो दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू लाइक टुडे सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की चैप्टर लगा कैसा, इजी है ये चैप्टर गाइज, इस चैप्टर को मत छोड़ना। आज जितना मैंने पढ़ाया अगर आपने उतना भी कर लिया यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स इन द एग्जाम। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको बहुत कम मार्क्स आए एस एस टी में, इतना कर लो गाइज, बस जितने अभी आज आपने मिनट दिए है ना उतना काफी है इस चैप्टर के लिए, राइट। सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।